भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल रिजर्व बैंक 2000 के नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन बाजार में मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर तक ग्राहक 2000 के नोट बदल सकते हैं। इस मूल्य के नोट को बैंक में 23 मई से जाकर बदला जा सकता है। आरबीआई ने शाम को जारी एक बयान में कहा है कि अभी चलन में मौजूदा 2000 रुपए के नोट वैध मुद्रा में बने रहेंगे।